हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लैक ड्रेस विथ डूई मेकअप लुक। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। तो ये मैं जोबीज के साथ अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। तो मॉइस्चराइज़र को मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब इसको हैंड की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। तो पूरे फेस पर मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी अपने फेस पर, जिससे मेरा फेस एकदम मॉइस्चराइज हो जाए। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ लिप बाम, जिससे मैं लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लूँगी। मैं यहाँ पर फिंगर की हेल्प से मसाज करते करते लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ सीरम, जिसको मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। अभी नेक्स्ट मैं यहां पर ले रही हूं मेकअप बेस प्राइमर, जो कि वेट एंड वाइल्ड का है। इल्यूमिनेटेड प्राइमर है, बहुत सही वाला प्राइमर है। ये आपके फेस को हाईलाइट करने का भी काम बहुत अच्छे से करता है। तो ये मैं अपने पूरे बेस पर अच्छे से लगा लूँगी। लुक एट दिस। ओके, तो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ML का मैट फिनिश लुक 02 सेट फाउंडेशन। हाई कवरेज फाउंडेशन है, तो इसको मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पर अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करते जाऊंगी। फाउंडेशन को ब्लेंड करते टाइम आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, आराम आराम से स्लोली स्लोली इसको ब्लेंड करो। जितने अच्छे से मेकअप ब्लेंड होगा ना आपका फाउंडेशन, उतना ही अच्छा आपका बेस रेडी होगा। तो अभी मैं इसको अच्छे से अपने हेयर लेयर की तरफ भी ले जाऊंगी फाउंडेशन को, जिससे बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि ऊपर से दिख रहा है। तो पूरे फेस पर मैंने अच्छे से इक्वली फेस को कवर कर लिया है फाउंडेशन के साथ। अभी मैं अपनी नेक को भी कवर करूंगी, जिससे मेरा फेस अलग से ना दिखे। तो जो ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा सा फाउंडेशन है, उसको मैं अपनी नेक पर लेकर अच्छे से लगा लूंगी। ओके, तो अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पर कंसीलर। कंसीलर के साथ जहाँ पर मुझे डार्क सर्कल लग रहे हैं, वहाँ पर मैं उसको लगाकर ब्लेंड करते जाऊंगी। अभी मैंने लिया है मामा अर्थ का कॉम्पैक्ट पाउडर, जिससे मैं अपने पूरे फेस को सेट करूंगी। ओके, तो नेक्स्ट है आईब्रो सेट करना। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर अपने आईब्रो से मिलता जुलता सेट, जिससे मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूंगी। अभी एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को नेचुरल लुक दे दूंगी, जिससे जो भी एक्सेस पाउडर है वो निकल जाए। ओके, इट्स डन। अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं लूंगी कंसीलर और उससे अपने क्रीज एरिया को कवर करूंगी। ओके,
ओके, तो अभी बारी आती है आई लुक क्रिएट करने की। थोड़ा सा स्मोकी लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने लिया है एक लाइट शेड जिसको मैं अपर क्रीज एरिया पर ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करना है, टाइम देकर आपको जो भी शेड है उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने दोनों एरियाज पर कर लिया है ब्लेंड। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर डार्क शेड, ग्रे शेड है ये, उसको मैं लोअर क्रीज एरिया पर अप्लाई कर लूँगी। जब तक मुझे एक इवन कलर नहीं मिल जाएगा तब तक मैं शेड लेकर उसको ब्लेंड करते जाऊंगी। तो अभी मैंने इसको अप्लाई कर लिया अपनी दोनों आईज पर। अभी क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं नीचे और ऊपर वाले एरिया का शेड इक्वल कर लूँगी, एंड ऊपर वाले शेड से मैं नीचे लोअर लैसेस पर भी अप्लाई कर लूँगी। अभी मैं ले रही हूँ एक ब्लैक कलर का ग्लिटर पैलेट जिससे मैंने लिया है ग्लिटर शेडो जो मैंने सेंटर क्रीज एरिया पर अप्लाई कर लिया। आई लैसेस जिसको लगाना है बहुत डिफ़िकल्ट, तो अभी मैं लगा कर आ गई फटाफट से। लुक एट दिस। अभी मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर का लाइनर, ब्लैक मस्ट लाइनर है ये, एकदम डार्क वाला, तो उसको मैं लगा लूँगी। अभी मेरा आई लुक क्रिएट हो चुका है, एंड ईजी स्टेप्स में मैंने आई लुक क्रिएट किया है। एंड अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पर इनसाइड का ब्लशर जिसे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। एंड अभी ले रही हूँ मैं हाइलाइटर जिससे मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। मेन पार्ट होता है मेकअप का फेस हाईलाइट करना, उससे आपका मेकअप अपने आप ड्यूई एंड ग्लोइंग लगने लग जाता है, तो ये मेरा मेन पार्ट है, मैं इसको कभी स्किप नहीं करती हूँ। अभी मैं ले रही हूँ लिपस्टिक, ये मैंने पीच डार्क लिपस्टिक ली है। मुझे थोड़ा सा डार्क शेड लग रहा था इसलिए मैंने एक न्यूड शेड लेकर अपने लिप्स को थोड़ा सा लाइट किया, बिकॉज मेरा आई मेकअप डार्क है तो मुझे लिप्स का शेड ज़्यादा डार्क नहीं रखना था, तो मैंने लिप्स को इस तरह से क्रिएट किया। दो लिपस्टिक के साथ मैंने क्रिएट किया है ये लुक। सो लुक एट दिस। एंड ये मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर जिससे मैं अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी। एंड अभी इसको मैं ड्राई होने दूँगी, उसके बाद मेरा मेकअप हो गया है एकदम रेडी। अभी मैं ले रही हूँ एक ब्लैक बिंदी। ओके, तो ये मैंने कुछ बड़े साइज़ वाली बिंदी ली है। एंड अभी मैं हेयर्स को ओपन कर लूँगी एंड उसके बाद हेयर सेट कर, आज मैंने हेयर वॉश किए थे तो मेरे हेयर्स कर्ली हो रखे हैं जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं, इस टाइम पर मेरा लुक क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। एंड उसके बाद मैंने लिया है ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जिसको मैं इसके साथ वेयर करने वाली हूँ। तो लुक एट दिस। एंड इसके इयररिंग्स भी मैं चेंज कर लूँगी। ओके, एंड अभी ये मेरा है फाइनल लुक जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ओके, तो दिस इज माय मेकअप लुक विथ ब्लैक ड्रेस।